नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। धर्म परिवर्तन करने की बात गलत, एसपी बहराइच डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा द्वारा। दूसरी ओर धार्मिक लोगों ने मंझौवा भलौरा गांव पहुंचकर कराया शुद्धि। इस प्रकरण में ग्रामवासियों ने नानपारा कोतवाली में एक तहरीर दी थी कि यहां के कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया है। इस संबंध में डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा द्वारा जाँच कराई गई, जिसमें यह गलत साबित हुआ, वहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया गया। आइए सुनाते हैं डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा की बाइट। संवाददाता सिराजुद्दीन खान के साथ लड्डन खान की रिपोर्ट। नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके पुत्र सुभाष, उसके पौत्र दीपक और बहू ने मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कर लिया है। इस घटना की जांच कराई गई। जो पक्ष है जिसके बारे में धर्मांतरण करना बताया जा रहा है, उसका यह कहना है कि नहीं, उनके यहाँ हिंदू देवी देवताओं की ही मूर्तियाँ स्थापित हैं और वो उसी धर्म की पूजा करते हैं। जहाँ से ये पाया गया कि पिता और पुत्र में कुछ अनबन रहती है, पिता जहाँ दूसरे लोगों के संपर्क में है, पुत्र उनसे दूर रहता है तथा वह किसी मजार के एक मौलवी के साथ उठता बैठता है, इससे चिढ़कर पिता के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया गया। जहाँ से यह आरोप असत्य पाया गया, इस संबंध में पिता को झूठी तहरीर देने के लिए तायिद किया गया है। जो है वहाँ जा करके नमाज पढ़ा थे और वहाँ से वो जो पिछावत है बिहार पुलिस तथा जनपदीय स्वाट टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर जीटी रोड पर स्थित रॉयल इनफील्ड एजेंसी के पास नेशनल ढाबा पर खाना खाने के लिए रुके तीन साथी शराब तस्करों को ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब समय करीब 5:45 पर गिरफ्तार किया गया है। मौके से 3-4 पहिया वाहनों को कब्जे में लेकर चेक किया गया तो उन्हें छुपा के रखी गई 1,055 बोतल करीब 88। फोल्ड कर लो स्लीव्स और हो जाओ तैयार, चलो मनाए शॉपिंग का ये दमदार त्योहार विद धमाकेदार ऑफर्स एट फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल फ्रॉम 29 अक्टूबर टू 4 नवंबर।